अरे पहले 14 साल का लड़का था, अब 12 साल का है। हाँ, ये क्या नाम है सर आपका? 11 का भी हो सकता है। हर्षदीप दोदर। और उम्र क्या है आपकी? 16 साल। आप 16 साल के? यहाँ पे तो 11-12 की बातें हो रही है। कहाँ से हो? जलंधर। जलंधर से। आपके साथ में कौन कौन आया? फैमिली आई है? मम्मा आए हैं मेरे साथ। माता जी आई हैं आपकी, उनसे बात कर सकते हैं? जी कर सकते। माता जी आइए। नमस्कार जी, आइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, जलंधर में कहाँ पे रहते हैं? शाहकोट में रहते हैं। शाहकोट में, अच्छा अच्छा। और घर में हालात कैसे हैं आपके? हालात तो बहुत बुरे हैं सर घर में। सर इसके पापा की डेथ हो चुकी है अभी 3 महीने पहले, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम्स है। और हमारे गांव में एक बाबा हैं, वो हमारे घर पे आए थे तो उन्होंने हमारा घर तोड़ दिया। हाँ? है? मतलब मैं समझा नहीं, सॉरी, क्या? बाबा ने हमारा घर तोड़ दिया अचानक आकर। हमारे गांव में एक बाबा जी है, सभी लोग उनको बहुत मानते हैं। वो एक दिन अचानक हमारे घर आए और हमारा सामान बाहर फेंका और हमारा घर तोड़ दिया। हमारी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी तो पता नहीं हमारा घर क्यों तोड़ा। अब तो हमारे पास घर नहीं है, पैसा नहीं है, ऊपर से लोग कर्जा मांगने आते हैं, मैं कहां से दूं कर्जा। बच्चे हैं, उनको कभी कभी तो उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, तो हम बहुत परेशान हैं। मैम अब रहती कहाँ हैं आप? अभी तक तो हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है मैम, ऐसे ही बस। तो जमीन तो आपकी ही थी ना? हाँ जमीन थी, पर इसके पापा ने कर्जा लिया था ना घर बनाने के लिए, तो वो भी बिक गया, उसकी वजह से इसके पापा को हार्ट अटैक आ गया। और हर्ष को भी डायबिटीज हो गया तो हर्ष बहुत। को? आपको डायबिटीज है? हाँ जी। तो अब इंसुलिन ले रहा है 2 टाइम। अरे बाप रे। ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है, जीने की ख्वाहिश में मरना। बेटा तुम यहाँ जो खड़े हो, तुम्हारा हौसला है, तुम बहुत ताकतवर लड़के हो, तुम्हारी माँ बहुत ताकतवर है। ये बहुत बड़ी बात है कि तुम इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी यहाँ आकर मंच पर आए हो। मेरा दिल कहता है आप बहुत अच्छा गाएं और आगे बढ़ें। आप क्या सुनाओगे बेटा आज? तेरी दीवानी सॉन्ग सर। माँ का आशीर्वाद लीजिए और ऐसा गाइए कि बाबा को बेस पसंद हो जाए। जाऊं
हर्षदीप जी, और हर्षदीप की माता जी, आपसे एक बात कहना चाहूंगा। मैं नास्तिक हूं, मैं ज्यादा मतलब इन सारी चीजों में विश्वास नहीं करता वगैरह वगैरह, लेकिन मैं एक चीज में बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ, और वो है माँ का प्यार और उस प्यार की शक्ति। और हर्षदीप, आपकी आवाज में आपके माँ का लाड़, आपके माँ का प्यार सुनाई दे रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो आपको तकलीफ में डाल देता है ना, वो आप पे एक बहुत बड़ा उपकार करता है, क्योंकि उस तकलीफ से उभर के, उस आग से, आग में पिघल के आप सोना बन के निकलते हो। हर्षदीप इस तरह गाता रहे, शायद आपके तकलीफों के खत्म होने का समय आ चुका है। हर्षदीप, आप बेहद अच्छा गाते हो। थैंक यू। मेरी तरफ से पक्का है। थैंक यू सर। मैं एक बात कहना चाहता हूँ बहन जी आपसे। आपका जो ये बेटा है हर्षदीप है ना, ये आपके लिए कई घर बनाएगा। बहुत घर बनाएगा। सारी मेरी दुआएं माता रानी से, भगवान जी से, कि आपके घर में खुशियां आए, आप खुश रहें, बहुत सारा प्यार आपको, बहुत 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 बड़ी हाँ, भगवान जी माता रानी आपको बहुत बड़ा बनाए, गॉड ब्लेस यू, हम तीनों की तरफ से हाँ है। थैंक यू। बस जो भी देख रहे हैं इंडियन आइडल के सारे दर्शकों से, हमारी दिली दरखास्त ये है कि जिस चीज में आपको आस्था रखनी है, जिस शख्स में, जिस भगवान में आपको आस्था रखनी है, आप रखिए, बेशक रखिए, लेकिन किसी भी धर्म का, किसी भी आस्था का, किसी भी गुरु का मकसद ये नहीं हो सकता कि किसी और को तकलीफ पहुंचाए। और अगर कोई गुरु आपकी खुशियां आपसे छीनता है तो वो आपका गुरु नहीं है।